हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल ऑर्डर रिटेलिंग के एडवांटेजेस। ओके, मेरिट्स पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाया जाता है रिटेलर के द्वारा। रिटेलर कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है थ्रू मेल ऑर्डर रिटेलिंग, है ना। मेल ऑर्डर बिजनेस जो है, या जो रिटेलर ये एक बिज़नेस कैरी कर रहा है, इसके ज़रिए वो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर तक रीच करने का प्रयास करता है, मैक्सिमम कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है, और उन लोगों को वो कन्वीनियंस यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सुविधा प्रोवाइड करवाता है, कि जिसके तहत वो अपने घर में रह करके अपने एक्स्ट्रा वर्क यानी और दूसरे कामों को कर करके साथ में वो शॉपिंग कर सकते हैं, या वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिनका उन्हें डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट होता है, या अदर थिंग्स जो उनके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो मेल ऑर्डर रिटेलिंग है वो डे बाई डे इनक्रीज़ कर रहा है, इन्हेंसमेंट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने दूसरे कामों को पेंडिंग ना करें, साथ में हम अपनी अदर एक्टिविटी को भी पूरा कर ले टाइम पर। कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, बीच में जो इतने भी मिडिल मैन इंक्लूडेड होते हैं उन सारे को एलिमिनेट कर देता है। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ एजेंट होते हैं, कुछ मिडिल मैन होते हैं जो गुड्स को सप्लाई करते हैं। काम तो उनका भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब वो इंगेज होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, तो वो कॉस्ट को इनक्रीज़ कर देते हैं, यानी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, वो उसको इनक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर को ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। कम से कम मिडिल मैन रहेंगे, कम से कम लोग इंगेज रहेंगे गुड्स को सप्लाई करने में कस्टमर तक, तो प्राइस जो है वो भी रीज़नेबल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस किसी भी कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा, बस वो उतना ही पे करेगा जितना उस गुड्स को बनाने में लागत आया है या बनाने का कॉस्ट आया है। लेकिन जब ज़्यादातर लोग इंगेज होते हैं किसी भी गुड्स को सप्लाई करने में, तो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होगा, जितने ज़्यादा लोग उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे तो वो लोग भी अपना कमीशन रखेंगे, अपना मार्जिन रखेंगे, तो हर व्यक्ति या हर एजेंट अपना मार्जिन रखेगा, तो कस्टमर तक जब वो फाइनली प्रोडक्ट रीच करेगा तो जो उसका प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बर्डन को किस पर आता है, कंज्यूमर पर आता है। एट लास्ट किसे पे करना होता है, जो फाइनली उसे कंज्यूम करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो बेसिकली वो कंज्यूमर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि उसमें जो मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि मेल ऑर्डर रिटेलिंग में हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में ही डिस्कस किया था कि जो बायर और सेलर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो भले ही फेस टू फेस ना हो रहा हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर सैम्पल्स, प्राइस लिस्ट या बुकलेट के थ्रू ये सेलर अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, तो वो बायर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा सेलर को, और सेलर उसे वो प्रोडक्ट सेल आउट कर देगा। तो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर मिडिल मैन का। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था बैड डेब्ट्स के बारे में। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, तो ये बिज़नेस व्यू से या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि बिज़नेस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉस या क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा देने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जितने के हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे उतने सारे लोग आकर के पे कर दें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बिज़नेस के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन वो समय पर अगर पेमेंट नहीं करते हैं या समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस का बाइस बन जाता है, यानी लॉस
का कारण बन जाता है। तो इसके लिए ये बिजनेस पर प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो बिज़नेस जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है, मैक्सिमम इसमें अर्निंग हो सकता है, क्योंकि ये जब भी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा वो कैश पे सेल आउट करेगा। यानी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, सैम्पल से सेलेक्ट करके या बुकलेट के थ्रू या प्राइस लिस्ट देख करके उसने किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्शन के बाद उसके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद उसे हैंडओवर नहीं करवाया जाएगा जब तक वो उसके रिगार्डिंग पेमेंट ना कर दे। जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा या जो पोस्टमैन जाएगा, वो पोस्टमैन को जब तक उस प्रोडक्ट का प्राइस पे नहीं कर देगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस वो उसे दे नहीं देगा, तब तक वो पोस्टमैन जो है वो उसे हैंडओवर नहीं करेगा। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका है कि इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। ओके, एक और हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था, बिजनेस विदाउट शॉप। अब मेल ऑर्डर रिटेलिंग है तो ऑनलाइन बेसिकली जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाएगा तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या मेल पब्लिसिटी के थ्रू करवाया जा रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर शॉप को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल स्टोर्स में या अदर रिटेलिंग में हम लोगों ने देखा था कि आपको, यानी जो रिटेलर है उसे एक अपना शॉप को रन करवाना होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर शॉप होना चाहिए, तभी तो उसके शॉप तक वो कस्टमर रीच करेंगे और वहाँ पर आकर के वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में इस तरीके का कोई भी प्लेस या परमानेंट कोई शॉप नहीं होता है जहाँ पर कस्टमर विजिट करे। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो एडवर्टीजमेंट में जितना भी नंबर या डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग के डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स पॉइंट्स क्या है, हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस कर लिया है, मेरिट्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब देखते हैं कि मेल ऑर्डर में जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा मेरिट्स को डिस्कस किया है तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। हम लोगों ने बाकी रिटेलिंग के बारे में भी मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस किया है। तो देखते हैं, नंबर वन हमारा है लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, यानी जो बायर और सेलर का फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है या बातचीत वो लोग करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, तो वो जो कन्वर्सेशन है वो फेस टू फेस नहीं हो पाता है या बायर और सेलर एक प्लेस पर एक टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोगों ने जनरल स्टोर्स में डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर प्लेस है या दुकान है या शॉप है जहाँ पर एक सेलर अवेलेबल होता है अपने प्रोडक्ट के साथ किसी एक लोकेलिटी में या रेसिडेंशियल एरिया में, जहाँ पर उसके शॉप में नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट करते हैं, उसके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन उसके थ्रू उनके तक पहुँचता है, यानी सेलर के थ्रू बायर्स तक इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है, प्रोडक्ट को वो लोग टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मेल पब्लिसिटी के थ्रू प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एज देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर्स। बायर्स हैं और सेलर्स हैं, इन लोगों का पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, वो बन नहीं पा रहा है। यहाँ पर सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे रहा है, बेच दे रहा है, बायर्स उस प्रोडक्ट को परचेस कर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन एक जो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिल्डअप होता है या पर्सनल कॉन्टैक्ट बनता है वो यहाँ पर नहीं बन पाता है। हम लोगों ने देखा था कि पर्सनली सेलर अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बायर्स को बताता है और बायर उसके दुकान में विजिट करते हैं, शॉप में विजिट करते हैं, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर बिल्डअप होगा या दोनों अच्छे से बातचीत करेंगे तो अपने व्यापार को रिटेलर ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है,
एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो कस्टमर के थ्रू वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। यहाँ पर भी प्रॉफिट अर्निंग का इंटेंशन है, बट द थिंग इज़ कि जो पर्सनल कांटेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं किया जा सकता है, या जो रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड सेलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। स्ट्रांग वो तभी होगा जब सेलर और बायर पर्सनली एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई होगा। देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट बिटवीन द टू। अगर पर्सनल कांटेक्ट बिल्डअप नहीं होगा तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एक मिसट्रस्ट हो सकता है, यानी फेथ नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग जितनी अदर थिंग्स है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर बायर और सेलर के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे, और सेलर जो है केवल वो ये सोचता है कि बस हमने अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर तक सेल करना है या रीच करवाना है और उनके थ्रू प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि अगर हम बायर से कांटेक्ट बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या मेल पब्लिसिटी के थ्रू, क्या हम उसके पर्पस को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, क्या उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद हमारा बायर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब पर्सनली एक दूसरे से वो लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे, यानी आपस में फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण बिजनेस को लॉस हो जाता है या बिजनेस उतना ज़्यादा डेवलप इन्हेंस नहीं हो पाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकता है कि सेलर कुछ और बताना चाह रहा हो और बायर कुछ और समझ रहा हो। ये भी कभी कभी होता है कि सेलर जो है या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जनरली सप्लाई कर रहा है, तो कस्टमर जो है वो कभी कभी कुछ और सोच लेते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और होता है। ये डिपेंड करता है कि एक बायर उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ ले रहा है या नहीं ले रहा है, जिस प्रकार एक सेलर बता रहा है, या बायर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और प्रोडक्ट एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम जो ट्रस्ट इशू है वो बिल्डअप होगा, यानी एक दूसरे पर जो फेथ है वो बन नहीं पाता। अदर रिटेलिंग में जो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर एक रिटेलर है वो अपने पर्टिकुलर एक शॉप को रन कर रहा है जिसके माध्यम से वो पर्सनल कांटेक्ट बिल्डअप कर रहा है, और अगर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो बायर जो है वो डायरेक्टली कहाँ विजिट करेगा, उसी जनरल स्टोर में विजिट करेगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो एक ऑप्शन है वहाँ पर बायर के पास कि वो जिस स्टोर से उसने प्रोडक्ट परचेस किया है या जिस सेलर के माध्यम से या रिटेलर के माध्यम से वो प्रोडक्ट परचेस किया है, आफ्टर दैट उसको अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है या वैसा प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है या जिसके लिए उसने ज़्यादा पे किया है, तो वो डायरेक्टली कहाँ विजिट करेगा, उसी सेलर के शॉप में विजिट करेगा और वो क्लेम कर सकता है। तो वहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट बिल्डअप हो रहा है, और अगर वहाँ पर सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल कर दिया है लेकिन कस्टमर समझ नहीं पाया तो वो उसे समझा सकता है और वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट फिर से बेच सकता है। तो एक अच्छा बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, लेकिन लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके चलते जो कस्टमर है या जो सेलर है दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल बायर्स ही हैं या जो खरीदार हैं जो कस्टमर्स है केवल उन्हें प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर कभी कभी सेलर्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो समझाना चाहते हैं नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स को या नंबर ऑफ़ बायर्स को, लेकिन बायर्स उस बातों को एज इट इज़ नहीं समझ पाते हैं जो सेलर ने समझाना चाहा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस है और मिसट्रस्ट होने का चांसेस है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहाँ पर अगर टू लिखा है तो दो लोग कौन इन्वॉल्व है, एक तो बायर्स
और दूसरा सेलर, यही दोनों हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, और तो कोई तीसरा है नहीं जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। द बायर्स कैन नॉट एग्जामिन द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग एंड द सेलर कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि जो बायर्स हैं वो लोग प्रोडक्ट को एग्जामिन नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को चेक नहीं कर पाते। अदर रिटेलिंग में हम लोगों ने देखा कि जब बायर को या कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करना होता है वो डायरेक्टली विजिट करेगा रिटेलर के शॉप में। जब वो रिटेलर के शॉप में जाएगा वहाँ पर वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है तो वो उसे टच करके देख करके समझ सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है क्या वो उसके लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर एक ऑप्शन उसके पास ये है कि वो पर्सनली उसे टच कर सकता है, देख सकता है, उसके फीचर्स जितने मेंशन किए गए वो उसे पर्सनली पढ़ेगा। अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा या कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो वो उस सेलर से पूछ सकता है और सेलर उसे क्लियरली डिफाइन भी करेगा, क्योंकि जो सेलर है उसका काम है अपने प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल करना, साथ में कंज्यूमर के इशू को सॉल्व करना। कंज्यूमर का इशू क्या हो सकता है? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर आएगा और उससे वो क्वेश्चन करेगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसके शॉप में अवेलेबल नहीं है या वो सेलर जो है वो प्रोडक्ट बेचता नहीं है। वो उसी प्रोडक्ट को एग्जामिन करेगा, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेगा जो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सेलर जो है वो सेल कर रहा है या जिस रेसिडेंशियल एरिया में उसका शॉप रन हो रहा है उसी रेसिडेंशियल एरिया में जितने भी कस्टमर्स हैं वो उनके इशू को सॉल्व करेगा। लेकिन जब मेल पब्लिसिटी के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है या सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करवाता है तो वहाँ पर बायर्स जो हैं वो एग्जामिन नहीं कर पाते, चेक नहीं कर पाते प्रोडक्ट को बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले। तो खरीदने से पहले हर बायर का ये अधिकार है कि वो अपने प्रोडक्ट को चेक कर ले, लेकिन मेल पब्लिसिटी के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू केवल वो देख सकता है लेकिन वो टच नहीं कर सकता। केवल उसे देखने का ऑप्शन है, फीचर्स वो पढ़ सकता है, प्राइस लिस्ट को वो चेक कर सकता है, बुकलेट और सैंपल्स के थ्रू वो चेक कर सकता है, लेकिन पर्सनली अगर बोला जाए कि वो जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो उसे खोल करके देख ले, टेस्ट कर ले या कुछ और है, तो वो इसका ऑप्शन उसको नहीं दिया जाता। एंड द सेलर कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज एंड पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर। अब अगर एक जनरल स्टोर कोई रन कर रहा है तो वो रिटेलर जो है अपने हर कस्टमर्स पर पर्सनली या पर्सनल अटेंशन वो उसे देगा। जितने भी कस्टमर्स उसके शॉप में विजिट करेंगे वो उनको क्या देगा? पर्सनल अटेंशन देगा। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में कोई भी सेलर जो है वो किसी भी कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो नहीं हो पा रहा है। कस्टमर उसे पर्टिकुलर शॉप में तो विजिट नहीं कर रहा या वो तो कस्टमर के घर तक नहीं जा रहा, तो यहाँ पर पर्सनल अटेंशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो मेल ऑर्डर रिटेलिंग को प्रीफर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सेलिंग नहीं होता है या इसमें प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता, लेकिन जो बहुत सारे बायर्स हैं वो इस तरीके की कमी को देख करके मेल ऑर्डर रिटेलिंग को प्रीफर नहीं करते हैं। वो उसी को प्रीफर करेंगे जहां पर उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो वो पर्सनली सेलर से वो पॉइंट क्लैरिफाई करवा सकते हैं, समझ सकते हैं, देन अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ पॉइंट नंबर 2, हाई प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग, क्योंकि इसमें क्या करना होता है? एडवर्टीजमेंट करना होता है। अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट करता है तो वो खुद भी करेगा या दूसरे एजेंसी के थ्रू करवाएगा। उसका मेन पर्पस क्या है? प्रोडक्शन करना और अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना, लेकिन फिर वो उनसे टाई अप करेगा या उनसे कॉन्टैक्ट करेगा जिनका कोर
बिजनेस है या कोर काम है जो करवाते हैं केवल एडवर्टीजमेंट, तो उनसे टाई अप करने के बाद वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाएगा, तो कॉस्ट जो है वो जनरली हाई हो जाता है इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग। एडवर्टीजमेंट इज़ द बेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस का जो बेस है, जो जड़ हम बोलेंगे, वो क्या है? एडवर्टीजमेंट है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है और कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है, सेलर्स को कांटेक्ट बनाना है नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ या बायर्स के साथ, तो वो कैसे बनाएगा? वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू बनाएगा। और जब वो एडवर्टीजमेंट करेगा तो जो उसका कॉस्ट है या जो लागत है वो बढ़ता चला जाएगा या बढ़ जाता है। द इंटरप्राइजेज हैज़ टू इनकर हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो बिजनेस है या जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है किस चीज़ में? एडवर्टीजमेंट में, या उसे करना ही पड़ता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और माध्यम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर तक रीच करवा दो। जब तक वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, क्या वो अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई कर पाएगा? नहीं, तो उसे करना ही पड़ेगा। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये बिजनेस का वो एसेंशियल पार्ट बन जाता है या मेथड हो जाता है जिसके थ्रू वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। और इसके बिना, एडवर्टीजमेंट के बिना मेल ऑर्डर बिजनेस संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। अगर मेल ऑर्डर बिजनेस करवाना, रन करवाना है या इसके थ्रू प्रॉफिट कमाना है तो एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा। अदर मेथड ऑफ प्रमोशन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर टू बाय देयर प्रोडक्ट। एक तो एडवर्टीजमेंट है, या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड दूसरे मेथड को भी इन्वॉल्व कर सकता है सेलर, या उसके माध्यम से भी वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक रीच करवा सकता है। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, नो आफ्टर सेल सर्विसेज। अब सेल सर्विसेज क्या है? वो भी आफ्टर वैसी सर्विसेज जो सेलर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर चुका होता है। ओके, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। केवल उसमें ये है कि उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बस वो सेल कर देता है। यहाँ पर कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज इन द बिजनेस। इस बिजनेस में, कौन से बिजनेस में? मेल ऑर्डर रिटेलिंग बिजनेस में आफ्टर सेल सर्विस का जो ऑप्शन है वो नहीं होता है, एब्सेंस होता है उसमें। एज बायर एंड द सेलर आर जनरली लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बायर जो हैं वो कहीं और अवेलेबल होते हैं, सेलर्स जो हैं वो कहीं और अवेलेबल हैं। केवल एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सेलर अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को या कस्टमर्स को रीच करवाता है या इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर या एडवर्टीजमेंट को बेस बना करके लार्ज कस्टमर्स जो हैं या नंबर ऑफ कस्टमर जो हैं वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब हर समय किसी एक लोकेलिटी में वो बिजनेस तो रन नहीं हो रहा है, अलग अलग प्लेसेस पर वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, लेकिन वो जो है मेल ऑर्डर रिटेलिंग करने वाला जो सेलर है, जो रिटेलर है, वो कहीं और अवेलेबल है, फार अवे, बहुत दूर है। अब जब वो दूर है तो वो हर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करके या उन तक पहुंचा करके, लेकिन जब वो सबसे दूर है तो वो आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाएगा? आफ्टर सेल सर्विस तो वो तभी प्रोवाइड करवाएगा जब वो एक पर्टिकुलर शॉप को रन कर रहा है या किसी एक लोकेलिटी में वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है। तो यहाँ पर जितने कस्टमर रह रहे हैं, तो सामान को सेल करने के बाद, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद ऑप्शन है कि वो सेल सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। एंड देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू टू मीन्स बायर एंड सेलर। यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट बिल्डअप नहीं होता है, या पर्सनल कॉन्टैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
या बन नहीं पाता है। तो जब पर्सनल कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है या बिल्डअप नहीं हो पा रहा या स्ट्रांग नहीं है, तो इस तरीके के बिजनेस में जनरली देखा जाता है कि आफ्टर सेल सर्विस का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और कस्टमर भी ये बात जानते हैं, और तब भी वो अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को अगर पसंद आता है तो रख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर उन्हें रिटर्न करने का भी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नो क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्रेडिट फैसिलिटी हम उन्हें देते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, या जो रिटेलर नंबर ऑफ़ कस्टमर के साथ डील कर रहा है, और वो नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हैं कभी किसी और रिटेलर के पास जा रहे हैं, कभी किसी और सेलर के पास जा रहे हैं, वो परमानेंट किसी एक सेलर के पास नहीं जा रहे हैं, और सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को किसी एक परमानेंट कस्टमर को नहीं बेच रहा है या बायर को नहीं बेच रहा है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्या इस सिचुएशन में वो क्रेडिट फैसिलिटी देगा? सो द आंसर इज़ नो, वो नहीं देगा। क्रेडिट फैसिलिटी केवल उन्हें दिया जाता है जब सेलर जो है अपने बायर को लंबे समय से जानता हो, या इस पर्टिकुलर एरिया में अगर वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है और वहाँ पर जितने कस्टमर रह रहे हैं, जितने बायर रह रहे हैं, केवल सेलर उन्हें ही ये ऑप्शन देगा कि आपको हम क्रेडिट फैसिलिटी देंगे क्योंकि आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, आपका यहाँ पर जो एक रेपुटेशन है या जो एक आपका गुडविल है इस सोसाइटी में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो चलो कभी अगर आपके पास पैसे की कमी हो गई तो हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देंगे। या जनरल स्टोर में बहुत ज़्यादा देखा जाता ये है कि जो जिस लोकेलिटी में वो बिज़नेस कैरी हो रहा है या शॉप कैरी हो रहा है रिटेलर के द्वारा, वहाँ पर जनरली प्रोवाइड करवाया जाता है क्रेडिट फैसिलिटी, लेकिन उन कस्टमर्स को जो उसके पुराने कस्टमर हो। कस्टमर्स विथ लिमिटेड मीन्स आर नॉट इंटरेस्टेड, वैसे कस्टमर जिनके पास इनकम जो है या जो पैसा है वो लिमिटेड है, उन्हें साथ में और भी काम करने होते हैं। अब एक एरिया में अगर बिजनेस रन हो रहा है और इस एरिया में इनकम जितने भी कस्टमर रह रहे हैं उनका जो इनकम है वो सेम नहीं होता है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। अगर किसी का ज़्यादा है तो वो रेगुलर पे करेगा, यानी जब भी वो सेलर के पास जाएगा और प्रोडक्ट का डिमांड करेगा और सेलर को वो तभी पेमेंट कर देगा। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनका जो इनकम है वो लिमिटेड है या बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो उनको अपने और भी पेंडिंग काम करने होते हैं या और भी दूसरे काम करने होते हैं, तो वो अपने उस सेलर को बोलते हैं कि आप हमको अभी क्रेडिट फैसिलिटी दे दो, हम आपको बाद में इसका पेमेंट कर देंगे, और वो जो बचा हुआ पैसा है फिर वो दूसरे कामों में अपना लगा देते हैं। तो वो उनके लिए है जिनके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, या जो जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है। जिनका कम इनकम होता है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें तुरंत ही उस चीज़ का पेमेंट कैश में करना होता है। प्रोडक्ट पोस्टमैन के द्वारा या पोस्टल सर्विसेज के द्वारा उनके घर तक रीच कर गया या उनको हैंडओवर करवाया जाता है, उसी समय उन्हें पेमेंट करना होगा, वो भी कैश में। इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी की कमी के कारण बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या वो परचेस करना चाहते हों लेकिन लिमिटेड मींस के कारण वो इस चीज़ में नहीं जाते हैं या इसके थ्रू शॉपिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 5, डिलेड डिलीवरी। डिलीवरी जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, देरी से होता है। देयर इज़ नो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर किसी भी सेलर के पास कोई भी कस्टमर जाएगा तो वो तुरंत ही उसको पेमेंट भी कर देगा और उसी समय उसको वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन देखा गया है कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जब भी कस्टमर के द्वारा ऑर्डर किया जाता है तो प्रोडक्ट तुरंत नहीं पहुंचता है, कुछ समय लगता है। 3 दिन लग सकता है, 1 वीक लग सकता है, विदिन 4 डेज प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाएगा, या 5 डेज के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ समय लग रहा है।
तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा जब एक पर्टिकुलर शॉप में जाकर के कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करे तो उसी समय वो उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया गया। टू द कस्टमर एज द रिसिप्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मेल टेक कंसिडरेबल टाइम, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब जो समय है या जो टाइम है वो 2 दिन का भी हो सकता है, 2 डेज का भी हो सकता है, 4 डेज का भी हो सकता है, ओके, या 7 डेज का भी हो सकता है। तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप ये बोलो कि अगर 1 दिन भी है तो 1 दिन के बाद भी अगर प्रोडक्ट आएगा तब भी कुछ ना कुछ तो समय देना पड़ रहा है, चाहे आप 1 दिन दे रहे हो, 2 दिन, 4 दिन या 7 दिन, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर हम मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू या मेल ऑर्डर के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। अगर हम इसमें टाइम नहीं देंगे तो हमें इसमें प्रोडक्ट इमीडिएट मिलने का ऑप्शन नहीं है। अगर हमें इमीडिएट प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हमें वैसे रिटेलर के पास जाना पड़ेगा जो एक अपने शॉप को कैरी कर रहा है, जहाँ पर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ बींग चीटेड। इसमें जो है मेल ऑर्डर रिटेलिंग में एक चांसेस हो जाता है या एक ऑप्शन हो जाता है चीट होने का, धोखा मिलने का इन मेल ऑर्डर बिजनेस ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट एंड प्रोमिसेस। अब एडवर्टीजमेंट में किसी एक कंपनी के द्वारा तो प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, किसी एक कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट कस्टमर तक रीच नहीं करवाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत सारे कंपटीशन हो गया है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेल ऑर्डर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाती हैं, जो मेल ऑर्डर बिजनेस कैरी करती है, बहुत सारी कंपनी है। अब जब कंपटीशन बढ़ गया है, हाई कंपटीशन है, तो हर कंपनी ये चाहेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को ज़्यादा बताऊँ, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगे, हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का हो। केवल वो बता रहा है, एक्चुअल में वैसा प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ऐसा करता है, लेकिन मार्केट में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बहुत ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो इस तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट या प्रॉमिस कर देती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। तो कस्टमर जो है वो स्टेटमेंट को या फीचर्स को पढ़ करके या एडवर्टीजमेंट में थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण वो वैसा प्रोडक्ट परचेस कर लेता है जिसको ख़रीदने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। ओके, इन द एडवर्टीजमेंट गुड सप्लाइड मे नॉट बी एज प्रॉमिस। एक तो ये है कि एडवर्टीजमेंट में कुछ और बताया गया और जिस प्रकार का प्रोडक्ट उसको बताया गया वैसा वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया जाता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है, प्राइस जो है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या जैसा प्रोडक्ट डिस्प्ले में दिखाया गया या सैम्पल्स में दिखाया गया या बुकलेट में दिखाया गया वैसा वो प्रोडक्ट एक्चुअल में नहीं होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज। अब अगर मेल ऑर्डर बिजनेस को कैरी करना है तो माध्यम क्या है? पोस्टल सर्विसेज माध्यम है। अब एक शॉप तो है नहीं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रन हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ये बिजनेस कैरी हो रहा है या पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया में जितने कस्टमर्स हैं उनके लिए हो रहा है। वाइड रेंज है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो पोस्टल सर्विसेज पर है। द सक्सेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस डिपेंड हेवी ऑन अवेबिलिटी ऑफ इफ़िशियंट पोस्टल सर्विसेज। अगर पोस्टल सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी तो ये बिजनेस का ग्रोथ भी वैसा होगा। अगर पोस्टल सर्विसेज अच्छी नहीं है या बहुत फास्ट नहीं है या कस्टमर तक पहुंचने में देरी होता है, कस्टमर को जितना समय दिया गया उस समय के बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होगा या नेक्स्ट टाइम वो उस प्रोडक्ट को उसके थ्रू परचेज नहीं करेगा।
तो ये कुछ डीमेरिट्स थे जो हम लोगों ने मेल ऑर्डर रिटेलिंग में डिस्कस किया। पॉइंट नंबर वन, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। पॉइंट नंबर टू, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रमोशन कॉस्ट। नो आफ्टर सेल सर्विस, नो क्रेडिट फैसिलिटी, डिलेड डिलीवरी, पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज एंड हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज। ओके,